नमस्कार दोस्तों, तो इनफिनिक्स GT20 Pro ऑफिशियली आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है और मैंने आपको ये चीज़ प्रॉमिस किया था, अगर स्मार्टफोन सही प्राइस में लॉन्च होता तो मैं डेफिनेटली इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू आप लोगों के लिए मैं जरूर लेके आऊँगा। तो इनफिनिक्स GT20 Pro ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च हुआ है 25,000 रुपये पे विदाउट कोई कार्ड ऑफर, और अगर इसे पहले सेल में लेंगे तो इसके साथ 5,000 रुपये का इनफिनिक्स की तरफ से आने वाला गेमिंग किट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कूलिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाएगा पोको X6 Pro जो कि जनवरी के आसपास लॉन्च हुआ था और मैंने खुद उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, तो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका टारगेट है 25,000 रुपये, अगर आप चाहते हैं इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन, तो आप लोगों के लिए कौन सा होगा सबसे बढ़िया चॉइस, इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो इन्फिनिक्स GT20 Pro आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर। उसी जगह पर जो पोको X6 Pro ये भी आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, ब्लैक, येलो और ग्रे। तो अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, ये जो इन्फिनिक्स इसके हर एक वेरियंट के बीच आपको मिलेगा ग्लॉसी टाइप का हार्ड प्लास्टिक बैक कवर, मतलब जिसे हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर। उसी जगह पर जो पोको X6 Pro इसके पीछे आपको मिलेगा लेदर या फिर पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर, मतलब अगर आप इसका येलो वाला एडिशन लेंगे तो आपको मिलेगा लेदर का बैक कवर, बाकी एडिशन लेंगे तो आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि दोनों में से किसका डिज़ाइन सबसे बेटर, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का ही डिज़ाइन ठीक ठाक है, मतलब कलर के मामले में पोको X6 Pro ये बेटर, लेकिन अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उस मामले में इन्फिनिक्स GT20 Pro होगा बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स GT20 Pro का थिकनेस है 8.2 mm और वेट 194 ग्राम। उसी जगह पर जो पोको X6 Pro इसका थिकनेस है 8.3 mm और वेट है 186 ग्राम, मतलब देखिए सर देखिए थिकनेस वेट ये सब मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो इन्फिनिक्स पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल HD प्लस 144Hz 10 bit AMOLED डिस्प्ले, जिसके साथ 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और पांडा ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। उसी जगह पे पोको पे आपको मिलेगा 6.67 इंच 1.5K 12 bit 120Hz AMOLED डिस्प्ले, जिसके साथ 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और गोइला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। इसके लिए भाई इन्फिनिक्स आपको मिलेगा 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, 2300Hz का PWM डिमिंग रेट और 1300 nits का ब्राइटनेस। उसी जगह पे पोको पे आपको मिलेगा 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 2160Hz का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 1920Hz का PWM डिमिंग रेट और 1800 nits का ब्राइटनेस। इसके अलावा इन्फिनिक्स आपको मिलेगा सिर्फ HDR10+ का सर्टिफिकेशन, पोको पे आपको मिलेगा HDR10+ WBVision दोनों का सर्टिफिकेशन। तो मतलब देखिए, अगर दोनों फोन के अंदर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी गेमिंग डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए नो डाउट पोको ही इधर होगा बेटर, क्योंकि इसमें आपको बेटर रेजोल्यूशन, बेटर बिट रेट, बेटर टच सैम्पलिंग रेट का कॉम्बिनेशन और उसके साथ आपको बेटर डिस्प्ले सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर जो कि 4 nm पे बनाए, पोको पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर, ये भी 4 nm पे बनाए। इन्फिनिक्स का अंटूटू स्कोर है 9,46,000 के आसपास, पोको का अंटूटू स्कोर है 14 lakh के आसपास, मतलब ये चीज़ आपको समझ में आएंगे होगा कि दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी गेमिंग CPU चाहिए तो उसके लिए पोको इधर होगा नो डाउट बेटर, और दोनों ही फोन के प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा एक इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट अगर दोनों की कैमरे के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स से आपको मिलेगा 108 2x2 का रियर कैमरा, जिसके साथ ये डुअल LED फ्लैश, फ्रंट में आपको मिलेगा 32 MP का सेल्फी जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं, और इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। पोको पे आपको मिलेगा 64 8x2 का रियर कैमरा, उसके साथ ये डुअल LED फ्लैश जिसके साथ OIS का ऑप्शन, फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये स्मार्टफोन मैंने जनवरी पे टेस्ट किया था, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो कैमरा वो ठीक ठाक है, मतलब चलेगा, मतलब एवरेज है, उतना बढ़िया भी नहीं है उतना बेकार भी नहीं है। लेकिन सेम प्राइस पॉइंट में जो इन्फिनिक्स GT20 Pro मैंने देखा है, इसका जो कैमरा सेटअप एग्जैक्टली लास्ट बार का जो इन्फिनिक्स GT10 Pro उसके जैसा ही है। अभी जो GT10 Pro उसे मैंने टेस्ट किया था, मैंने देखा था कि बहुत ही एवरेज क्वालिटी का कैमरा सेटअप है, और ये वीडियो बनाने से पहले बाकी जो यूट्यूबर उनका भी मैंने कैमरा सैंपल देखा,
मैंने ये चीज़ देखा है जो GT 10 Pro उसके मुकाबले GT 20 Pro में कैमरा क्वालिटी में आपको उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और सभी यूट्यूबर का यही कहना है कि इस स्मार्टफोन का मेन सेलिंग पॉइंट है गेमिंग, कैमरा इसका बिल्कुल भी सेलिंग पॉइंट नहीं है। तो मतलब इधर से हम यही चीज कह सकते हैं शायद ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में इन्फिनिक्स इधर होगा बेटर, लेकिन एक्चुअल क्वालिटी में दोनों फोन है ऑलमोस्ट सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों की रैम और वेरिएंट की बारे में बात करें, इन्फिनिक्स का टोटल दो वेरिएंट है 8/256 GB और 12/256 GB, पोको का आपको टोटल दो वेरिएंट मिलेगा 8/256 GB और 12/512 GB। दोनों ही फोन में आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको मिलेगा LPDDR5X का रैम, इन्फिनिक्स पे जहां पर आपको मिलेगा UPS 3.1 का स्टोरेज, पोको पे आपको मिलेगा UPS 4.0 का स्टोरेज। मतलब देखिए सकते कि सेम प्राइस पॉइंट में पोको एक्चुअली आपको बेटर क्वालिटी का स्टोरेज टाइप दे रहा है, मतलब इस रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन पे पोको होगा बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, इन्फिनिक्स पे आपको मिलेगा 45W का चार्जर, पोको पे आपको मिलेगा 67W का चार्जर और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB Type-C। तो मतलब इस बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे नो डाउट पोको होगा बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, दोनों ही फोन में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन्फिनिक्स पे आपको मिलेगा हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन, पोको पे आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस और हाई रेस दोनों का सर्टिफिकेशन। मतलब देखिए सकते कि बेटर क्वालिटी ऑडियो सेटअप में इधर पोको होगा बेटर। नेक्स्ट अगर पोर्ट्स की बारे में बात करें तो दोनों पे आपको कोई भी 3.5 जैक नहीं मिलेगा और साथ में होगा IR ब्लास्टर का ऑप्शन और दोनों पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। मतलब इधर इस पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नो डाउट दोनों एग्जैक्टली सेम। और नेक्स्ट अगर दोनों के OS की बारे में बात करें, वैसे इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, इन्फिनिक्स पे आपको मिलेगा 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, पोको पे आपको मिलेगा 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। तो मतलब इधर इस OS अपडेट साइकिल में नो डाउट पोको होगा बेटर। नेक्स्ट अगर 5G बैंड की बारे में बात करें तो दोनों पे आपको मिलेगा टोटल 14 5G बैंड और दोनों पे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट N77 और N78 दोनों ही आपको मिलेगा। मतलब इधर इस 5G बैंड के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, ये जो इन्फिनिक्स GT 20 Pro विदाउट कार्ड ऑफर, इसके पहले वेरियंट का प्राइस है 25,000 रुपये, सेकेंड वेरियंट का प्राइस है 27,000 रुपये। उसी जगह पर जो पोको X6 Pro इसका करेंटली विदाउट कार्ड ऑफर पहले वेरियंट का प्राइस है 24,500 रुपये और सेकेंड वेरियंट का प्राइस है 26,500 रुपये। और इधर अभी एक चीज़ देखिए, जिस प्राइस पॉइंट में इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 12/256 GB, एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में पोको आपको प्रोवाइड कर रहा है 12/512 GB, ये चीज ध्यान में रखना। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में दोनों फोन के अंदर कौन सा होगा सबसे बढ़िया गेमिंग फोन, ये नेक्स्ट साथ देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 25,000 के प्राइस पॉइंट में इन्फिनिक्स के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी रियर साइड में डिजाइन, लेकिन उसी जगह पे अगर आप पोको के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, बेटर CPU, फास्टर स्टोरेज सिस्टम, फास्टर चार्जिंग सिस्टम, बेटर क्वालिटी ऑडियो और बेटर OS अपडेट। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं सबको समझ में आ गया होगा, दोनों फोन के अंदर नो डाउट पोको X6 Pro है बेटर। और मैंने आपको एक चीज कहा था, अगर इन्फिनिक्स GT 20 Pro का प्राइस इंडिया में 23,000 या फिर उससे नीचे होता है और कार्ड ऑफर मिले के अगर मिल जाता है 22,000 के आसपास, तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू करना चाहूंगा। लेकिन आप देख ही सकते हैं ये जो फोन एग्जैक्टली पोको X6 Pro के प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है। और ये चीज मैं कह सकता हूँ, अगर आपका मेन टारगेट है गेमिंग तो ये दोनों फोन के अंदर पोको होगा नो डाउट बेटर। अभी आप में से बहुत लोगों के सवाल भी आ सकता है, पोको मतलब मदरबोर्ड इशू। अभी एक चीज देखिए, पोको X3 सीरीज में जो इशू था उसके बाद पोको X5 सीरीज कोई भी इशू नहीं, पोको X6 सीरीज कोई भी इशू नहीं, उसके बाद पोको F4 F5 दोनों में हमें एक भी मदरबोर्ड का इशू देखने को नहीं मिला है, या फिर जो ग्रीन लाइन इशू ऐसा कोई भी इशू अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और 2 दिन बाद तो इंडिया पे लॉन्च होने वाला है पोको F6 सीरीज। तो मतलब समझ ही सकते हैं जो पोको की तरफ से मदरबोर्ड का इशू था वो बस एक ही सीरीज के अंदर था, जो है पोको X3 सीरीज के अंदर। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये दोनों फोन के अंदर आप लोगों के लिए पोको X6 Pro ही होगा बेटर। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपके दोनों फोन के अंदर कौन सा बेटर लगेगा और आप कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।